प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज 71,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। बावजूद इसके दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। गुरुवार को देश भर के 71,506 युवाओं को सरकारी कर्मचारी बनने के नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही देश में अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। भोपाल में समन्वय भवन में भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता। वंदे भारत के ट्रेन 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन आज भारत में बन रहे हैं और भारत में चल रहे हैं। तो ये एक जुगलबंदी निजी क्षेत्र के साथ
रोजगार के अवसर सृजन करने, और उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये रोजगार मेले की शुरुआत की और ठान लिया कि आने वाले साल में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन कर किए जाएंगे। और शुरुआत की धनतेरस के दिवस पर, जब आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75,000 रोजगार के अवसर उस महा आपके नौजवान दोस्तों को वो रोजगार के सर्टिफिकेट मुहैया करने का काम प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, और हर माह ये संकल्प चल रहा है। फरवरी के माह में 71,000, आज के दिवस में 71,000, आज इस सभागृह में अकेले 326 महत्वपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं, चाहे रेल विभाग हो, दूर संचार विभाग हो, डाक विभाग हो, कर्मचारी राज्य बीमा योजना हो, CRPF हो, ग्रामीण बैंक हो, IIT इंदौर में हो, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, वैल्यू ड्रिवन, इंजीनियरिंग ड्रिवन रोजगार के अवसर सृजन किए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी केवल प्रधान रक्षक भारत माता की विश्व पटल पर उजागर करने जिसका मोबाइल है जिस प्रधानमंत्री के साथ जिस प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री देश की 130 करोड़ जनता जुड़ी हुई है, जरूर विपक्ष में खलबली मचेगी, जरूर देर रात को बैठकें की जाएंगी, दिन दहाड़े नहीं हो रही है, देर रात को बैठक हो रही है, वो करें जो उन्हें करना है। प्रधानमंत्री जी भारत के तिरंगे को लेकर विश्व पटल पर उजागर कर रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं मेरे को दिक्कत के साथ भारत का एक एक नागरिक नहीं हो पा रहा यार, का विश्वास भारत के एक एक नागरिक का साथ, भारत के एक एक नागरिक का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। जीतेंगे जिन सीटों पर बीजेपी लंबे समय से जीत रही वहां पर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस भेज रही है, क्या लगता है? बीजेपी में 7 लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए शायद जिनकी मन में इतनी आशा है उस पद ग्रहण करने के लिए शायद वही ये वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन सर आपका नाम नहीं जोड़ा, मैंने तो आप लोगों से पहले भी कहा है, 20 साल से कह रहा हूँ कि मेरी धारणा केवल सेवा करने की है, आपकी सेवा, मध्य प्रदेश की सेवा, प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी दें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी दें, उस रूप में कार्य करने की मेरी मंशा। परिवार ने चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, चाहे मैं, आपने स्वयं इस परिवार को, आप लोगों का स्वयं का अनुभव रहा है पिछले 60 वर्षों से, ये परिवार सेवा भाव के आधार पर कार्य करता है, कुर्सी और पद के आधार पर नहीं। ना मेरे पूज्य पिताजी ने किया, ना मेरी आजी अम्मा ने किया, और ना मैंने अपने 20 साल जनसेवा के जिंदगी में। सर रोजगार मेले में आपने कहा कि पहले लाइन लगानी पड़ती थी, वैकेंसी देनी पड़ती थी, रोजगार नहीं मिलता था, आज प्रधानमंत्री खुद नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पर ये तो स्वाभाविक है, सच्चाई है। आप मुझे बताइए कि आप और मेरे इतिहास में, क्योंकि करीब करीब आप मेरे उम्र के हो या मुझसे कम उम्र के, हमारे इतिहास में कभी भी ऐसे आयोजन किए जाते थे जहाँ युवाओं को ऐसे सम्मान के साथ ऑडिटोरियम में बैठा कर नियुक्ति पत्र प्रदान की जाती है? ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने वो संकल्प 9 साल पहले लिया है कि
देश को अगर बढ़ाना है तो युवाओं की क्षमता के आधार पर बढ़ाना है, युवाओं के सम्मान के आधार पर बढ़ाना है, युवाओं के मनोबल को बढ़ाकर ही ये देश आगे बढ़ सकता है। और इसलिए जो आंकड़े आपने सुने, चाहे सड़क की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे जो मैंने कहा अपने भाषण में, पहले बार भारत में 4G और 5G का टेलीकॉम का स्टैक बना है, पहले बार भारत में ये जो आप और हम फोन अपने डब्बे लेके घूमते हैं वो भारत में बन रहे हैं, ये परिवर्तन हमें 9 साल में देखने को मिला है। स्टार्टअप की श्रृंखला, यूनिकॉर्न की श्रृंखला, और वो इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि भारत एकजुट हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, ये सिद्ध हो रहा है। और अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में अभी भारत 5वें नंबर आर्थिक शक्ति के रूप में अग्रिम पंक्ति में आने के लिए आतुर है। सर एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।